आप में से बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड होगा और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि उनका आधार कार्ड बड़े कमाल का है। दुकानों में गए, वहाँ 50, 100, 200, 500 रुपए दिया और आधार कार्ड तरह तरह तरीकों से निकाल दिया गया। किसी ने कार्ड में बनवा लिया, किसी ने उसको प्लास्टिक कार्ड में बनवाया, किसी ने उसे लेमिनेट करा लिया और भी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड आपका है, गलत यदि आपके साथ हो गया तो फंसेंगे आप। इससे पहले भी मैंने आधार कार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया है और आपको ये भी बताया है कि भाई आप कैसे आधार कार्ड के फ्रॉड से बच सकते हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक होगा। और आज का वीडियो भी आप सभी के लिए खास है क्योंकि आधार कार्ड को लेकर रोज नए नए नियम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आधार कार्ड जिसका है लॉस उसी का होने वाला है। सरकार तो केवल नियम निकालती है लेकिन आधार कार्ड हमारा है, कुछ गलत होगा फंसेंगे हम। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगा, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप आसपास की किसी दुकान में गए होंगे जहां आधार कार्ड निकलते हैं। उन्होंने आपसे कुछ चार्ज लिया होगा, 50, 100, 200, ये तो आपको पता होगा कि उन्होंने आपसे कितना चार्ज लिया। उसके बाद आपने आधार कार्ड निकलवाया, या तो उसको लेमिनेट करा लिया, या तो उसका कार्ड बनवा लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन अब ये जान लीजिए, आधार कार्ड अथॉरिटी ने ये कह दिया है कि आपके पास यदि ऐसी चीज़ें हैं जो कार्ड में हैं, जिन्होंने लेमिनेट करा लिया है, वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है? जो आपके आधार कार्ड में QR कोड होता है वो कहीं ना कहीं लेमिनेशन की वजह से, उसको आप कहीं ना कहीं आप आई कार्ड बनवा लेते हैं, वो ख़राब हो जाता है। और उसके साथ साथ जो आधार कार्ड बनवाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें लीक ना कर दें। यदि चीज़ें आपकी हो गई लीक, आधार कार्ड आपका, नंबर आपका, नाम आपका, एड्रेस आपका, फंसेंगे भी आप। इसीलिए आधार कार्ड के CEO अजय पांडे जी ने ये कहा है कि आप ऐसी चीज़ों को ना बनवाएं। आपको यदि आधार कार्ड रखना है तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड का एक प्रिंटआउट निकलवा लें और उसे रख लें। नहीं तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS फ़ोन है, कोई भी फ़ोन हो यार, कोई भी वर्जन का फ़ोन हो, बस आपको उसमें M आधार कार्ड डाउनलोड करना है और वो आधार कार्ड आपको यूज़ करना है, वो भी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वहाँ आपका कोई पेपर नहीं लगेगा, बस आपकी जान मतलब आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ होना चाहिए और आधार कार्ड आपके साथ होगा। इसके बाद जो लोग ये करते हैं, फ्री वाले आधार कार्ड को 50, 100, 200 रुपए में बेच रहे हैं, वो भी अब फंसने वाले हैं क्योंकि आधार कार्ड अथॉरिटी ने ये कहा है ये सारी चीज़ें इलीगल हैं, मतलब गैर कानूनी हैं। फ्री वाली चीज़ को आप बेच रहे हैं, कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, करोड़पति लखपति कुछ भी आप बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हम सभी का है। इसीलिए अब सरकार धीरे धीरे करके कड़े कदम निकाल रही है, कभी आधार को लेकर, कभी पैन को लेकर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये कदम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप आधार कार्ड को किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई भी आपको फ़ोन कॉल करे, चाहे कोई भी आपसे कोई भी डिटेल मांगे, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप शेयर ना करें। आगे आपका मन है, आधार कार्ड आपका ही है, जो करिएगा सोच समझ के करिएगा। बस आज के लिए यही है कि आप आधार कार्ड को रखना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड को सिंपल प्रिंट आउट रखिए, या तो आधार कार्ड का जो मोबाइल है M आधार उसे रख लीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।